खरगोन शहर से 2008 में 12 साल की उम्र की लापता हुई लड़की अब 15 साल बाद अचानक घर लौट आई है। परिजनों ने उसके लापता होने के साथ ही इतने लंबे समय कहाँ रही इस बात की कहानी जब बताई तो कहानी बेहद रोमांचक और किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगी। महिला ने अपने भाई के साथ उसे अपहरण करने एवं धोखे से शादी कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पति पर कार्यवाही की मांग की है। इसको लेकर सोमवार को वो न्यायालय परिसर पहुंची और अभिभाषक दीपक कानूनगो से मुलाकात की। अभिभाषक दीपक कानूनगो ने बताया कि शहर के टौड़ी मोहल्ला निवासी महिला 12 साल की उम्र में स्कूल से घर लौटते समय लापता हुई थी, जो अब 15 साल बाद वापस घर लौटी है। उसके लापता होने के समय भी मैंने उसके भाई के साथ तत्कालीन SP राकेश गुप्ता को शिकायत कर तलाशने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मिली थी। महिला के माता पिता पहले ही शांत हो चुके थे, वह भाई के साथ रहती थी। तीन लोगों ने किया था अपहरण। अपनी याददाश्त गुम होने की बात कहने वाली महिला ने घर लौटने के बाद कहा कि उसे 12 साल पहले बड़वा निवासी पत्ती वाले बाबा कैलाश ढोली प्रसाद में बेहोशी की दवाई मिलाकर ले गए थे। इसके बाद उन्होंने नीमच जिले के चपलाना में राती तलाई निवासी बसंती की मदद से बेच दिया। यह बात उसे उसकी सास ने बताई थी और उसने बताया कि 70,000 रुपए में उसे बेचा गया। ब्रजेश चौहान नाम के व्यक्ति से मेरी शादी कराई गई, मेरे 5 बच्चे हैं। पति रोजाना मारपीट करता था। कुछ दिन पहले अचानक मेरे रिश्तेदारों की याद आई और मैं बस से जुलवानिया निवासी अपने जीजा विजय के घर पहुंची, यहाँ भाई लेने आया। अभिभाषक कानूनगो ने बताया कि इस मामले में पुलिस कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। स्कूल जा रहे थे जब प्रसाद खाया था मैंने, जो उसके बाद से मेरे को कुछ मालूम नहीं था। क्या बकरी घटना है, क्या हुआ था आपके साथ? 2008 की घटना है। बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रसाद खाया, उसके बाद वो वहाँ पे ले गए, वहाँ पे ले जाके मेरे को बेच दी। तीन लोग थे, नीमच जिले में चपलाना गांव। क्या करते थे आपके साथ? खेत में धान की करवाते थे, चारा बुला कटवाते थे। रोज रोज मारपीट करता है, दारू पीता है। घर वाला नहीं आई यार। क्या खिलाते थे आप? हाँ। कभी पुलिस शिकायत की ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं। क्या परेशानी आती थी? वो मारपीट करता था, जो परेशानी आती थी बार बार। बच्चे वगैरह भी है आपके? हाँ है, 5 बच्चे, 4 लड़की और 1 लड़का। अब क्या चाहते हैं? अब मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती, कहीं मेरे को वहाँ नहीं जाना है अब। भाई उन लोग थे जो आपको ये पैसे दे दिया था, उन लोग थे वो बड़वाई गांव के थे, कैलाश ढोली है, एक पति वाला दादा है और एक उधर मंदसौर जिले की भाई है बसंती भाई, उसने मेरे को वहाँ पे बेची थी सपलाना गांव। क्या साल बाद आप लौटे हैं? हाँ, जो लौटने की वजह वहाँ पे भैरू जी की मान दी ना, वो प्रसाद खाने से मेरे को थोड़ी याददाश्त आई, इसलिए मैं यहाँ पे। कितने वर्षों बाद आप यहाँ खरगोन लौटे? हाँ, कितने टाइम बाद लौटे यहाँ? कम समथिंग हो गए होंगे 14 साल। 14 साल बाद आप यहाँ पर आई है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती। कार्यवाही चाहते हैं क्या पति? हाँ, पति की कार्रवाई चाहते हैं और वो तीनों लोगों की भी कार्रवाई चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।